बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि क्या आपको मैथ्स अच्छा लगता है? नहीं सर। मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चों का आंसर यही होता है क्योंकि ज्यादातर बच्चों को नहीं पता कि मैथ्स को एक अलग तरीके से सीखा जा सकता है। यस, लर्निंग मैथ्स विल बी फन विथ मी, सो मायसेल्फ रॉय सर, ऑन बिहाफ ऑफ The Navigator Education, I welcome you all to our family. जो भी यहाँ पे नए हैं, वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। Oh no, मैं तो अपने बच्चों को भूल ही गया। Oops, I'm sorry. तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सम को स्टार्ट करते। तो आज हम देखने वाले सिमिलरिटी लेसन से सम नंबर 3। आप बोलोगे आपको तो सम सीखना है, तो स्क्रीन में ये टॉम और जेरी क्या कर रहा है। तो आज हम देखेंगे कि टॉम एंड जेरी जैसे एक दूसरे से लड़ते पर दो दिल एक जान है, वैसे ही हम देखेंगे यहाँ पे एक ट्रायंगल जिसके बेस और हाइट अलग अलग हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, आपको इसी तरह से अंदाज में अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो आओ हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, हमारे सारे वीडियोस को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको और कौन से ऐसे सम सीखने हैं जिसमें आपको बहुत सारा डाउट है। ओके, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोलता है? इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू, सेगमेंट क्यू टी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी आर। इफ आर क्यू इज इक्वल टू 6, पी एस इज इक्वल टू 6 एंड पी आर इज इक्वल टू 12, You have to find QT. तो आपको इधर QT find करना है। पूरे क्वेश्चन को एक डायग्राम के थ्रू समझते। डायग्राम में आपको जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, बट आपको इसके ऊपर फोकस ज्यादा नहीं करना है। आपको किस पे फोकस करना है मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से आपको एक रेड कलर के ट्रायंगल पे फोकस करना है। आप बोलोगे तो रेड तो पूरा है, नहीं कलर हो जाएगा भी रेड कलर से। पी क्यू आर, आपको सिर्फ पी क्यू आर वाले ट्रायंगल पे फोकस करना है। दिख रहा है आपको रेड कलर वाला? नाउ यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि आपको सिर्फ पी क्यू आर पे फोकस करना है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे बारी आती है, आपको जो रेड कलर का ट्राइंगल दिखाई दे रहा है वो एक ऑप्ट्यूज ट्राइंगल है। मैं इसी ट्राइंगल को ऑप्ट्यूज को एक्यूट में भी बदल दूंगा, बट इसी ट्राइंगल को, हाँ इसी ट्राइंगल को याद रखना। तो आ जाते इन ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पे बेस क्या है? पी आर बेस है एंड हाइट क्या है? हाइट है क्यू टी। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ओके, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूं। अभी स्क्रीन में देखो एक ब्लैक लाइन आएगा जो उसका बेस डिनोट करेगा और उसका हाइट डिनोट करेगा। तो बेस मैंने क्या बोला था? पी आर। ट्राइंगल को थोड़ा अलग वेरिएशन में देखो, देखो पी आर दिखाई दिया हाइट एंड क्यू टी जो हाइट है और बेस क्या था? पी आर है। ओके, अभी यहां पे देखते, यहां पे आर क्यू इज अ बेस एंड पी एस इज हाइट। अब ऐसे कैसे हो सकता है एक ही ट्राइंगल का यहां पे बेस अलग हाइट अलग? देखते यहां पे इसी ट्रायंगल को अगर मैं P को टिप पॉइंट मतलब P को ऊंचाई से पकड़ू तो मैं बोल सकता हूं कि RQ उसका बेस बन सकता है और PS उसका हाइट। देखो उसका हाइट अभी उड़ी मारते हुए आएगा, आ गया। तो PS उसका हाइट है। ओके, तो इसी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को मैंने ग्रीन कलर में नीचे लिया और उसे जरा सा टर्न करके एक्यूट एंगल बना दिया। देखो मैंने एक्यूट एंगल बनाया, ट्रायंगल वही है PQR। ओके, और ये ऑब्टूज एंगल तो आपको पहले से दिख रहा था जो पी क्यू आर। ओके, तो अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे बेस क्या दिख रहा है। यहाँ पे इजीली आपको बेस दिखाई दे रहा है। ओके, पी आर अब बेस दिखाई दे रहा है, क्यू टी आपको हाइट दिखाई दे रहा है। इसी ट्राइंगल जो ग्रीन ट्राइंगल है उसमें आपको बेस क्या दिखाई दे रहा है? आर क्यू बेस दिखाई दे रहा है। ओके, एंड हाइट क्या दिखाई दे रहा है? हाइट आपका है पी एस। एस एक इमेजिनरी है, रीजन क्या है? ऑब्टूज एंगल में टिप पॉइंट पी है तो वो थोड़ा हम लोग 90 डिग्री में नहीं ले सकते, इसीलिए हमें अलग से एस लिख के उसका हाइट डिनोट करना पड़ता है। अब ट्राइंगल पी क्यू आर में ही काम करना है, तो ट्राइंगल पी क्यू आर अपन ट्राइंगल पी क्यू आर इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और नीचे वाले ट्राइंगल का भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो येलो ट्राइंगल का बेस क्या है? बेस है पी आर, तो मैंने लिख दिया। हाइट क्या है? क्यू टी, वो भी लिख दिया। ग्रीन ट्राइंगल का बेस क्या है? आर क्यू, लिख दिया। हाइट क्या है? पी एस, वो भी लिख दिया। और आपको अच्छे से पता है कि ऊपर और नीचे जो चीज सेम होता है, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो चीज सेम होता है वो तो कट जाता है, तो हाफ हाफ कट गया। ओके, तो और आपके पास बचा क्या? ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर इंटू क्यू टी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। नाउ एक और चीज, ऊपर पी क्यू आर है, नीचे भी पी क्यू आर है, तो ये क्यों नहीं कटेगा? इसे भी कटना पड़ेगा, लेकिन इसे हम नेक्स्ट स्टेप में काटेंगे। ओके ना स्टूडेंट? तो अगर आपको ऐसे पढ़ने में मजा आ रहा है, आपको तो आ रहा है, ऑफकोर्स आ रहा है यार, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो ना,
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करो, उन्हें बताओ कि ऐसे पढ़ने में कितना मजा आता है, और हमारे सारे वीडियोस को जाके देखो कि हमने वहां पे किस तरह आपको अलग अलग सम को वेरिएशन में पढ़ा है, और उस सारे वीडियोस को लाइक करो। ओके, तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऊपर का ट्राइंगल और नीचे का ट्राइंगल सेम है तो कट जाएगा, जब ऊपर और नीचे पूरी तरह से कट जाता है तो आता है 1/1। फाइनली आपको क्या मिल गया, पी आर इंटू क्यू टी, नीचे आर क्यू इंटू पी एस। अब जो 1/1 था वहां पे क्या हो जाएगा, अरे बहुत सिंपल है यार, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक साइड क्या आ जाएगा, एक साइड आ जाएगा पी आर इंटू क्यू टी, और दूसरे तरफ क्या आ जाएगा, दूसरे तरफ आ जाएगा आर क्यू इंटू पी एस। अब क्या करना है, अरे अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में देखो सारे आपको वैल्यूज दिए, जो पी आर है उसे लिख दो, पी आर कितना दिया, क्वेश्चन में ढूंढो ना, 12 मिलेगा आपको। क्यू टी कितना दिया है, अरे नहीं दिया है, उसे तो ढूंढना है, तो क्यू टी लिख दो, इज इक्वल टू आर क्यू कितना दिया है 6, और पी एस कितना दिया है 6। अभी आप क्या करोगे, क्यू टी को वन साइड रखो, और 6 × 6 क्या हो जाता है 36, तो 36 के नीचे कौन आ जाएगा 12। ओके, तो फाइनली क्या हो जाएगा, क्यू टी इज इक्वल टू 36/12। अब क्या करना है, रेड्यूस इट टू लोएस्ट फॉर्म, इधर 12 × 1 = 12, और 12 अरे 3 = 36। मुझे पता है आप लोगों ने मेरे से पहले आंसर बोल दिया होगा, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फाइनली मिल गया कि क्यू टी इज 3, और यहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर नहीं दिया तो आप लोग लिखोगे यूनिट। तो मुझे लगता है आपको सब समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस, आप सभी जनों का हमारे दिल से धन्यवाद है आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज, एंड वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स का शेयर करना ना भूलें। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। और बेल आइकन को दबाना ना भूले। सो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।